मेरा नाम है आरपिन खान एंड यू आर वाचिंग टाइम्स नाउ बहुत से स्टार्स को उन्होंने लाइफ कोचिंग दी है और बहुत से स्टार्स की लाइफ भी बदली है लेकिन अब बिग बॉस उनकी लाइफ बदलने वाले हैं आरपिन फुसली वेलकम ऑन टाइम्स नाउ आई वुड से दैट यू नो मैं बहुत एक्साइटेड हूं यह देखने के लिए कि

she told me she told me you're Something pretty good different. with that yeah, yeah, she told me that you're pretty good because with that because लाइफ कोचिंग में एडवाइस देते हैं मुझे एडवाइस देना नहीं आता है ओके okay. मोटिवेशन में मैं बिलीव नहीं करता हूँ पॉजिटिव थिंकिंग में भी बिलीव नहीं करता हूँ ओके okay. तो so, जब मैं इस शो में आया हूँ मैंने देखा ये शो है एक माइंड का शो है बिल्कुल और जब मैं देखता हूँ कंटेस्टेंट्स को मुझे लगता है कि वो एक्सरे है मेरे सामने ओके okay. कि मुझे उनका बिहेवियर समझ में आता है Okay. तो असल में आ, मेरा कोई प्लान नहीं था निका शो पे मेरी वाइफ जो है हाँ. उसने मतलब दे लो जान लगाया जाने के लिए जाने के for me. Okay. उनका भी कोई प्लान नहीं थी था। वो बोलती थी आप जाओ विच अमेजिंग राइट और एट हमको दोनों को मौका मिला एंड शी वेरी टैलेंटेड वेरी स्मार्ट वूमन यस तो मेरा मकसद सिंपल है आई वॉन्ट टू मैं एक रोल मॉडल बनना चाहता हूँ कि केय के अंदर के कोई इंसान स्ट्रॉन्ग बन सकता है बदतमीजी के बगैर वो आगे बढ़ सकता है मतलब आप कहते हैं मैं माइंड कोच हूँ लाइक यू नो मोट मतलब आप उनका दिमाग पढ़ सकते हैं और उनके अपने हिसाब से यू नो हर एक का एक क्वालिटी उनका ट्रेट पकड़ सकते हैं तो क्या लगता है ये आपके लिए एक स्ट्रैटेजी में काम करेगा हेल्प करेगा टू अंडरस्टैंड आपकी कहीं ना कहीं गेम को खेलना और उसको आगे ले जाने के लिए ये एक बहुत ही मस्ट है हंड्रेड परसेंट मेरे काम आएगा बिकॉज आप किसी को देखो आप समझते कि वो see, मैं, मैं उसका प्रोडिक्शन नहीं कर सकता yes. है very very yes. so, से, अगर मेरा माइंड सेट स्टेबल है Then I will pick it up like that. पर एक बार बताइए ये भी क्योंकि आ, पास सीजन में जब जब कपल्स घर में गए हैं तब तब कहीं ना कहीं कहा गया है जैसे अंकिता विकी थे या नील ऐश्वर्या थे yeah. तब तब कहा गया है कि एक दूसरे की गेम को वो ओवर शेडो कर देते हैं yeah. uh, या फिर आ, अंकिता की गेम नहीं दिख पाई विकी का कारण या फिर सब कहा गया कि अंकिता ने विकी की गेम नहीं देखने दी या सेम गोस नील ऐश्वर्या तो क्या लगता है कि आप दोनों जब साथ में जा रहे हैं तो आप लोग एक शुरुआती दौर में एक एज अ कपल खेलेंगे या शुरू से ही आप एक इंडिविजुअल माइंडसेट लेके जा रहे हैं। okay. मैं अपनी वाइफ पर अगर वो सपोर्ट okay. इज वो सपोर्ट जेन्यपोर्ट okay. लो बोलेंगे हाँ ये बोलने की बात है देख लेंगे और वो भी इंडिपेंडेंट <coughs> सपोर्ट होगा जी. लेकिन असल में मेरे माइंड में ये है कि

ऑनेस्टली बात करूँ मुश्किल तो था लेकिन मेरा जो रीज़न है जाने का उसमें मेरे बच्चों का फ्यूचर भी इन्वॉल्व है बिल्कुल तो मुझे अगर कुछ करना है लाइफ में आई कैन you know, yes. तो मुझे मालूम है ये तीन महीने का सेक्रीफाइस है बट वो रेजिस्टेंस आई थी जब आप वो फैसला ले रहे थे नहीं हिचक बिल्कुल नहीं आई नहीं। कि मैं घर अपने बच्चों से दूर रहूंगा रहूँगा मुझे मालूम है कि तीन महीने के बाद मेरे बच्चे

Uh, to be honest with you, uh, उनको मैंने बताया भी नहीं अभी तक oh. और मैं सोचता हूँ कि कभी कभी उनको बाहर से खबर मिलनी चाहिए वो क्या टिप देंगे टिप नहीं दे सकता है बिकॉज ये हाउस hmm. इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि अगर आपको कोई टिप भी देंगे वो क्या बोलेगा आपको ये किसी किसी की गेम थी जो आपको लगा कि यार ये बहुत मज़ेदार खेला और मैं भी अगर कभी घर में जाऊंगा तो यू you नो know, ऐसा इसका एक पैंतरा तो अपनाऊंगा सिद्धार्थ शुक्ला सिद्धार्थ शुक्ला उनका उनका बेस्ट क्वालिटी आपको क्या लगता था सी उसका बेस्ट सी उसके सबके पास अच्छे है, बोले yes, उसका क्वालिटी yes. ये था कि ही वाज वेरी जो बोला वो बोला इंडीड एंड आई थिंक दैट वाज रियली अमेजिंग और उसको डर नहीं लगा कि किसको बोल रहा है कब बोल रहा है कुछ यकीन था कि जो बोल रहा है वो उसके लिए सच है

और गौतम गुलाटी यस आई थिंक ही वेरी वेरी हार्ड टाइम का तांडव प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों चीज़ें यू you नो know, सामने एट स्टेक है और अब आप अपनी वाइफ के साथ घर में जा रहे हैं तो ऐसा कोई ऐसे हिचक है मन में कि यार पता नहीं बिग बॉस कौन सा मेरा पास्ट का चैप्टर उठा के सामने ले आए या पता नहीं वाइफ का कौन सा पास्ट का yeah. चैप्टर सामने ले आए और अगर ऐसा कुछ होता है तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे See, मेरे हिसाब से फॉम एटली फ्रॉम पर्सपेक्टिव यस मेरे पास में क्या निकालेंगे आई डोंट नो

covered. so that's what I'm asking कोई ऐसे skeleton है आपके closets में जो आपको लगता है कि अगर big boss क्योंकि past में बहुत skeletons बाहर निकले तेरवें season में ही Rashmi की पूरी life out थी so that way around कुछ uh, not see not that I'm aware of मेरी life oh. का अगर कोई skeleton है I don't know oh. तो वो तो फिर आने वाले time में ही हमें पता चलेगा कि oh. कौनसा oh. skeleton you know बाहर आएगा uh, it's a very tough thing because families yes बात मेरी फैमिली के हिसाब से मेरी मम्मी ने मेरी डैडी ने उस दिन बोला मेरी वाइफ को भी मेरे भाई ने भी बोला जो भी करना करो ये हमारे लिए एंटरटेनमेंट है कुछ भी निकलेगा निकलेगा बट डज इट्स कैर यू दैट यू नो एक बिग बॉस आप घर के अंदर खेलेंगे और घर के बाहर आपके फैमिली हैं जो बहुत वेलनेबल रहेंगे बिकॉज यू नो वो आपसे बात नहीं कर सकते हैं और मीडिया भी उनको रीच आउट करेंगी फैंस भी रिएक्शन देंगे कई बार ट्रोल भी सुनने को More मिलेगा और रादर सर आप यू नो यू माइट आप शायद कोई ऐसा फेवरेट कंटेस्टेंट बन जाएगा जिसके साथ आपकी ना बने यू नो टारगेट किया जाएगा फैमिली को तो मेंटली आप कैसे उनको See, मेरी मम्मी डैडी जो है वो दे वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल ओके मेरी मम्मी थोड़ी इमोशनल है ऑफकोर्स पूरा दिन जाने मार्च बैठ के दुआ कर रही है इन शी फ्रेज ऑल द टाइम फॉर आस लेकिन शी इज़ अ फाइटर मतलब शी इज़ लाइक अ अगर वो किसी चीज के पीछे लग जाए वो होगा वो तो मेरे डैडी है भाई वाइज मैन ओके वेरी इंटेलिजेंट मैन यू नो एंड सो आई थिंक आप सही बोल रहे हो कुछ ना कुछ हो सकता है एनीथिंग कैन हैपन इन बिग बॉस यू नो अल्टीमेटली ऊपर वाला है अह uh, ये बता दीजिए क्योंकि यू you नो know, काफी कंटेस्टेंट्स के अलग-अलग ट्रेड्स हैं अह कुछ अच्छे कुछ बुरे और uh, शायद आपके भी कुछ ऐसे प्लस एंड माइनस हैं वन ऐसा क्या है जो आपको बहुत इजीली ट्रिगर कर देता है और जो आपको लगता है झूठ झूठ yeah. like, मतलब जूट सी, कोई बोलेगा, okay. Okay. कोई बोलेगा फाइन आपसे दोस्ती करेगा और घर में, uh, uh, yeah, और और में बहुत सारे you know, हैं बर्तन मांजना खाना बनाना झाड़ू पोचा बेड्स क्लीन करना टॉयलेट्स क्लीन करना और अनफॉर्चुनेटली uh, हमारे बहुत कंटेस्टेंट्स हैं जो बहुत ज़्यादा ही हाइजीनिक रहते हैं hmm. जिसको बिग बॉस कॉल आउट भी करते हैं कितनी बार तो आपके लिए सबसे मुश्किल टास्क क्या होगा और सबसे ईजी टास्क क्या होगा चलो no, मैं लंदन में you know, जब बचपन में मेरे डैडी हमको बोलते थे मंडे को बाथरूम करो, को, oh. साफ करो च्यूजडे को साफ करो को ये करो फिर पॉकेट मनी मिलेगा अरे वाह मुझे खाना भी बनाना आता है खाना भी बनाना आता है बाथरूम धोना नो प्रॉब्लम ओके Uh, washing no problem. Okay. I even love ironing by the way. Just wow. Me. Okay. So I don't think us problem hoga But man. what about your wife? Because. Uska bhot bada problem hoga. Because unko technically bhot kuch chizhe hain jo. Ha. Wo wo to queen hai na. Queen. <laughs> Maa to haas haas ke pagal hone wala hu. When I see them. It's going be brilliant for me. Has she ever cooked anything special for you? Yes, she cooks very well. So, uh, at least, when you can do it in the kitchen, she can do it. What is the best that she cooks? she continental jyada acha banati hai but uh, you know touchwood by god's grace ghar bahut sundar hai lavish lifestyle hai larger than life scale pe hai theek hai wahan pe na khane ke liye bhi ladai karni padegi main na main is is cheez mein bhi lucky hu ki main din mein ek meal khata hu bas oh i'm a one meal person lekin wahan difference kya hai main bhijra khata hu ya but what if aapko khane ke liye i मैं लड़ूंगा no, no, <laughs> मेरा सबसे uh, फेवरेट हिस्सा बिग बॉस का होगा टास्क टास्क या yeah, कोई भी टास्क अलोंग विद टास्क इज वेरी ड्रिवन आई विल डू वेल आई विल डू वेल इतने सारे नाम स्पेकुलेट हुए हैं कोई ऐसे हैं जिनको आप जानते हैं और कोई ऐसे हैं जिनको आप यू you नो know, देखना चाहते हैं बिग बॉस के घर के अंदर आई विल बी वेरी ऑनेस्ट मैं किसी को ना जानता हूं ना मैं टीवी देखता हूं ओके सो okay. so, अगर बॉलीवुड में क्योंकि आप इतने सबके साथ कनेक्टेड हैं अगर आपको कोई तीन लोगों को बॉलीवुड में से चाहे वो फीमेल हो या वो मेल एक्टर हो जिनको बिग बॉस के घर में लेके जाना होता तो वो कौन होते और नाना क्यों ओके okay. अमिताभ बच्चन ओके okay. और केके -के मेनन और अगर फीमेल कोई एक्ट्रेसेस को ले जाना होता तीन नरगिस ओके okay. दीपिका पादुकोण ओके okay. फिलहाल तो वो बिजी है मुझे नहीं लगता और रेखा कि मुझे लगता है कि 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 मैं भी देखना चाहती <laughs> सलमान से आप मिलेंगे you know, yes. uh, बाहर मिलना अलग है पार्टी से मिलना अलग है बट स्टेज पे मिलने का जो एक वाइब yeah. है वो yeah. कहते हैं ना एक इमोशन है वो अलग है कैसे मिलेंगे और यू you नो know, कुछ ऐसा स्पेशल सोचा हुआ है कि मैं उनको कुछ उन्हीं के अंदाज में इंट्रोड्यूस करूंगा खुद में जब सेमिनार्स करता हूँ

शादी के बाद ऐसी चीज़ें होती हैं जो यू नो हम अडेप्ट कर लेते हैं पार्टनर्स की वी ग्रो टू लाइक देम बट देन वी नो कि वो गलत हैं बट अगर मैं सारा का बोलूँ क्योंकि अब वो भी एक लाइफ को एक अलग नज़रिए से देखेंगी तो ऐसा क्या है सारा की एक वो क्वालिटी जो पर्सनली आपको पसंद नहीं है आपको लगता है कि उनको इम्प्रूव करनी चाहिए जो अब आपको लगता है शायद घर में जाके शील वर्क ऑन दैट ट्रस्टिंग पीपल बहुत ट्रस्ट करती है ट्रस्ट ईजीली एक सेकेंड के अंदर क्योंकि पीपल बहुत आसानी से छुरा गोप देते yeah, हैं हाँ ना पे. ना मैं, बोलूंगा नहीं इसको. But मैं मैं नहीं बोलने के भिएर. परफेक्ट वेल थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी हियर मैं कहूंगी कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं देखने के लिए कि यू नो आप दोनों की जो, जो जोड़ी है वो घर के अंदर किस तरीके से धमाल मचाएगी एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग योर किड्स आर इक्वली एक्साइटेड क्योंकि सारा मुझे बता रही yes. थी कि उन्होंने बोला कि ट्रॉफी और उनको पसंद है तो ट्रॉफी लेकर आना नहीं इसमें बोला है कि 100 200000 ट्रॉफीज लेके आना <laughs> <laughs> इतनी है बिग बॉस <मिप्वास laughs> की ट्रॉफीज <टुँपीस>। वाला <laughs> well, हमें क्या पता बट देन आई एम वेरी ग्लैड टू सी क्यू आप मम्मी पापा दोनों को टीवी पे देखने वाले हैं लेकिन एक खाली है कि मेरे बच्चों ने कभी हमको झगड़ते हुए नहीं देखा है नबा मेरे फादर ने एक रोल बनाया हम हम हम, हम आ, हमको बोला था जब बच्चे होंगे आपके झगड़ना बेडरूम में झगड़ना उनके सामने कभी नहीं झगड़ना वी नेवर हैव डन

हमारे इन माइंड मैनिपुलेटर को माइंड माइंड कोच माइंड कोच माइंड मैनिपुलेटर जो भी कहिए जिनको यू नो माइंड को अपने हिसाब से समझ लेंगे आपके क्वालिटी एंड ट्रेड्स को समझ लेंगे उनको बिग बॉस में देखने में कितना एक्साइटेड है थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच